बड़ी खबर आपको बताओ, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और पहली सूची में 99 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं कमाठी से चंद्रशेखर बावनकुले उम्मीदवार हैं, जलगांव शहर से सुरेश दामू भोले उम्मीदवार हैं, शहादा में राजेश उदय सिंह पाड़वी को उम्मीदवार बनाया गया है, भुसावल से संजय बामन को पार्टी की तरफ से प्रत्याशी जो है वो बनाया गया है, इसके अलावा शिरपुर से काशीराम बेचन पवार को उम्मीदवार बनाया गया है, इसके अलावा जलगांव शहर की अगर मैं बात करूं तो श्री सुरेश दामू भोले यहां से पार्टी के उम्मीदवार हैं, साथ ही साथ देवलू से राजेश बानके, प्रवीण ताड़े अचलपुर से पार्टी के उम्मीदवार है, हिंगना से श्री समीर दत्तात्रेय मेधे को टिकट जो है वो दिया गया है। नीतीश झा हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ मुंबई से इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। नीतीश, 99 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, जल्दी से बता दीजिए कौन कौन से वो अहम चेहरे हैं जिन्हें इस 99 की लिस्ट में जगह मिली है और किन जगहों से मिली है। जी बिल्कुल चंदन, मैं सबसे पहले बताऊंगा लिस्ट के नाम जो है, जो प्रमुख नेता है उनके नाम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सबसे दिलचस्प चीज़ इस पूरे लिस्ट में ये है कि सबसे ज़्यादा नाम जो है वो विदर्भ रीजन के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो है विदर्भ तरफ की तरफ की जो सीटें हैं वहाँ के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है घोषित किए गए हैं, उस तरफ की सीटों पर ज़्यादा नाम के ऐलान जो है किए गए हैं, और विदर्भ की सीटों को लेकर ही महाविकास अघाड़ी में जो है अभी मतभेद चल रहा है। ये इस पूरे लिस्ट में अभी तक सबसे अहम चीज़ जो है वो है, और उसके जो प्रमुख नेता है जिनकी टिकट जिन्हें टिकट दी गई है, चंद्रशेखर बावनकुले जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है जिन्हें 2019 में टिकट नहीं दिया गया था, जिसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर भी थे जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उस समय कहा जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष का ही टिकट जो है पहले इन्होंने काट लिया था, और ऐसे में इस बार चंद्रशेखर बावनकुले को कामाठी से जो है टिकट दिया गया, साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम से जो है टिकट दिया गया, जहां से लगातार 2009 से वो जीतते चले आ रहे, ऐसे में एक बार फिर वहां उस मैदान में जो है नागपुर के दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट में वो अपनी जीत दर्ज करने के लिए उतरेंगे। वहीं आशीष शैलार बैंड्रा वेस्ट से उन्हें टिकट दिया गया, जहां वो मौजूदा अभी इस वक्त मौजूदा विधायक है, और वो उसी बैंड्रा वेस्ट की जगह है जहां पर कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी की जान को जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। और ठीक इसी तरह बात करें तो मुंबई वर्सोवा बीजेपी विधायक जो भारती लवेकर है, बोरीवली बीजेपी के सुनील राणे हैं, घाटकोपर ईस्ट बीजेपी पराग शाह है, इन तीनों सीटों पर जो है ऐलान नहीं किया गया। ये तीनों सीट भी जो है काफ़ी अहम है, काफ़ी बीजेपी के लिए अहम सीट ये मानी जाती है, महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। ऐसे में इन तीनों कैंडिडेट्स का जो है नाम पहली लिस्ट में नहीं आया है, कयास लगाए जा रहे थे कि इन तीनों कैंडिडेट्स का नाम जो है पहली लिस्ट में आएगा, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक इनका टिकट जो है वो कट सकता है। बहरहाल अभी एक और लिस्ट जो है वो आनी है बीजेपी की, तकरीबन 50 से 55 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। इसके अलावा अगर नीतीश इस लिस्ट की हम बात करें तो इस लिस्ट में कई नए चेहरों को जगह मिलती हुई नजर आ रही है, और साथ ही साथ कई हैवी वेट्स जो हैं उनके परिवार वालों को भी टिकट मिला है। मसलन अशोक चौहान की बेटी जो है सुजिया चौहान, उनको भोकर से उम्मीदवार बनाया गया है। विधायक गणपत गायकवाड़ की पत्नी सुलभा गायकवाड़ को कल्याण से उम्मीदवार जो है वो बनाया गया है। जी बिल्कुल चंदन, देखिए गणपत गायकवाड़ की पत्नी सुलभा गायकवाड़ को जो है इस वक्त उनका नाम जो है लिस्ट में शामिल किया गया है और उन्हें टिकट दिया गया है, क्योंकि कल्याण ईस्ट का सीट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, बीजेपी लगातार जो है उस सीट पर जीतते आई है, और गणपत गायकवाड़ की काफ़ी अच्छी पकड़ है। अगर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, गणपत गायकवाड़ वही जो कुछ दिन पहले उल्लासनगर हिलैंड पुलिस स्टेशन में जिन्होंने गोलीबारी की थी अपने भतीजे महेश गायकवाड़ के ऊपर, महेश गायकवाड़ जो एकनाथ शिंदे गुट के नेता है, और ऐसे में उसके बाद जो है वो जेल में थे और कुछ ही दिन पहले जो है जमानत पर बाहर आए। और एक आखिरी छोटा सा सवाल होगा, समय थोड़ा कम है नीतीश, मुंबई में 36 में से 14 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, तो क्या शीट शेयरिंग फॉर्मूला के तहत यही 14 सीटें बीजेपी के पास मुंबई में आ रही हैं, या फिर अभी जो दूसरी लिस्ट आएगी उसमें और भी नाम हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से मुंबई के लिए? जी बिल्कुल चंदन, देखिए मुंबई काफ़ी अहम जगह शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के लिए, और ऐसे में मुंबई में काफ़ी सीटों की जो है मांग की गई थी, 36 में से जो है 25 से 30 सीटों। समय की थोड़ी कमी है, आपके पास दोबारा हम आएंगे, फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जहां